दूसरी सूरत में मैंने लोकेशन चेंज कर दी, ठीक है, लोकेशन चेंज करने के नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में भी सेम टू सेम आपका रिस्क चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकेशन फिर मैं जो सेलेक्ट करूंगा वो ऐसी होगी जहां कम से कम लोगों का की अपियरेंस हो रही हो, कम से कम लोगों का एक्सपोजर हो रहा हो उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो लाइकलीहुड को कंट्रोल करना इज कंपैरेटिवली चीपर, ठीक है, देन कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन जब मैं हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल की बात करता हूँ, हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल आप सबको पता है क्या होता है? यस सर। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल जी बताइए क्या होता है? सर एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, प्रिवेंशन, फिर क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट है। हायरार्की कहते हैं एक तरतीब को, ठीक है। रिस्क कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट प्रियोरिटी में मैं क्या चीज रखूंगा, फिर सेकंड में क्या रखूंगा, फिर थर्ड में क्या रखूंगा, फोर्थ पे क्या रखूंगा, फिफ्थ पे क्या रखूंगा, और मैं अपनी इस हायरार्की को वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक मेरे लिए करना पॉसिबल हो रीजनेबली प्रैक्टिसेबल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, इस पर रीजनेबली फोर्सिएबल रिस्क के ऊपर। तो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल में हम आयोश निगोश के हवाले से अगर बात करता हूँ तो एरिक पीडी को हम फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। निगोश में एरिक पीडी पढ़ाया जाता है, एरिक पीडी आप लिख सकते हैं ERICPD, ERICPD, ठीक है। E stands for elimination, ठीक है, R for reduction, I for isolation, E for elimination, R for reduction, I for isolation, C for control, P for personal protective equipments, and D for disciplinary actions, ठीक है। First of all, I need to eliminate those hazards which can be eliminated without affecting my routine jobs, routine activities, ठीक है। अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरी वर्क प्लेस पर कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसको मैं एलिमिनेट कर दूँ और उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा, तो मुझे उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसी जितनी चीजें मैंने सबसे पहले लिस्ट ऑफ टास्क, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज, लिस्ट ऑफ पीपल वर्किंग इन दैट एरिया पर्टिकुलरली, ठीक है, ये मैंने सारी लिस्टिंग कर ली थी। उस लिस्टिंग के बाद सबसे पहले, जैसे कि कल मैं आपको बता रहा था कि यू कैन नॉट मैनेज बट यू कैन नॉट मेजर, जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उस चीज को आप जो जिस चीज के वेयर अबाउट, उसके डोमेन, उसका स्कोप, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी तमाम चीजें आपको